जयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रस रानी की जय श्री वृंदावन रज रानी की जय समस्त संत भक्तन की जय प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ
प्यारो वृंदा उसे कोई सत्य कहे, ईश्वर कहे, किंवा प्रेम कहे, वो जो भी है, पर उसे अभिव्यक्त होने के लिए भक्ति जन्य एक वातावरण की आवश्यकता है। और उपासना की जितनी भी विधियां प्रकट हैं या जो अप्रकट हो गई हैं या जो आने वाले समय में प्रकट होंगी, उनका आरंभ कहीं से भी हो, लेकिन उनका विश्राम एक ही स्थान पर है कि किसी प्रकार उस ईश्वरीय सत्ता को अभिव्यक्त होने के लिए स्वयं को अनुकूल बना लिया जाए। जैसे एक काष्ठ खंड में, एक लकड़ी के टुकड़े में अग्नि कहीं ना कहीं है, देयर इज ऑलरेडी अ फायर इन अ वुडन ब्लॉक बट इट इज इन एन इनर्ट फॉर्म। सो एज यू इग्नाइट द फायर, जैसे ही आप उसे एक चिंगारी का स्पर्श कराते हैं, वातावरण अग्नि के अभिव्यक्त होने के अनुकूल होता है और कुछ देर में अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आपके, मेरे, हम सबके भीतर, मैं बड़े विश्वास से और बड़ी विनम्रता से ये बात प्राय करके कहा करता हूँ कि कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ण का हो, यदि वो मनुष्य है तो हर समय उसमें एक संभावना है, अनंत संभावनाओं का नाम जीवन है। आप जब आए हैं यहाँ तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज to be something, to do something, to go somewhere, to reach somewhere, इस अनंत संभावनाओं का नाम जीवन है। लेकिन वो सब संभावनाएं बिलग बिलग हो सकती हैं, लेकिन एक संभावना सभी के भीतर एक सी है और वो है ईश्वर प्राप्ति की संभावना। लेकिन ये तब तक केवल संभावना ही है और ये तब तक केवल संभावना ही रहेगी जब तक इस संभावना को वास्तविकता की यात्रा कराने के लिए अनुकूल वातावरण न मिले। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर वा अमृतम गमय, भगवती श्रुति कहती है। दिस इज जर्नी, ये एक जीवन, एक यात्रा का ही नाम है। लेकिन निवेदन मेरा ये है कि सब संभावनाओं के भीतर में एक छिपी हुई संभावना ईश्वर प्राप्ति की भी है। और यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सब संभावनाओं के भीतर एक संभावना ऐसी भी है, आप कभी ऐसे हो सकते हैं, आप कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व उस ईश्वर के सुख का कारण बने। सुनने में अटपटा लगेगा,
पर वैष्णव आचार्यों ने जब भक्ति का दर्शन किया है किसी एक कोण से खड़े होकर, तो वैष्णवाचार्यों के दृष्टिकोण ने यही कहा कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। और एक स्थिति ऐसी आती है, द डिवोशन कैन एलिवेट यू एट सम लेवल वेयर आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, जहां आप ईश्वर के सर्वथा अनुकूल हो जाते हैं, वहां आप ईश्वरीय सुख का कारण बनते हैं, वहां आप भगवदीय सुख का कारण बनते हैं। ऐसा कभी किसी संत के मुख से मैंने सुना था, बात बड़ी प्रिय लगी कि भगवान ने भी कहा है और भगवान ने आनंद में भरकर ही कहा होगा। श्रीमद् भागवत के शब्द ऐसा कहते हैं कि वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कि ऐसा कोई वाग गदगदा कि कृष्ण नाम कहते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाए, स्खलन होने लगे प्रेम से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि व्हाट इज दिस, आई एम हेयर टू ओरेट समथिंग, टू डिलीवर समथिंग, टू कन्वे समथिंग टू यू, एंड यू आर हेयर टू रिसीव, टू लिसन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मियर इग्निशन प्रोसेस। ये आपके और मेरे भीतर जो एक भावनात्मक स्तर की अपेक्षा है पहुंच जाने की, उस ईश्वरीय अनुभूति के लिए, ये वही एक प्रक्रिया है। ऐसा मेरा विश्वास है और अनुभूति भी है, और विज्ञान मेरी इस अनुभूति को मान्यता भी देता है कि शब्द में बड़ी विलक्षण एक ऊर्जा है। आज जिस भाव की चर्चा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, गोपी गीत, वो क्या है, उस शब्द में कहीं ना कहीं प्रेम निहित है। जैसे प्रत्येक शब्द के साथ देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एक्शन, जैसे प्रशस्ति के शब्द आपको एक आपको भीतर से कहीं गुदगुदा देते हैं, जब आप अपनी प्रशस्ति सुनते हैं तो आप कहीं भीतर से एक आह्लाद की अनुभूति होती है, और वही निंदा, वही तिरस्कार, वही अपमान के शब्द आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी विचार करिए क्या था जो कान के भीतर से आया, एक शब्द ही तो था, वो कान के भीतर से आया और उसने आपके अंतर जगत में एक ऐसा क्षोभ उत्पन्न कर दिया, आप रात भर सो नहीं पाए। और कभी कभी तो निंदा और अपमान का कोई ऐसा शब्द महाभारत का मूल हो जाता है, एक एक शब्द ही तो था। ऐसा एक संत विनोद में कहा करते थे, बोले सर्प से अधिक सर्प विष सर्पिणी में होता है, और वाण से कहीं गहरी चोट वाणी से लगती है। और यदि आप एक चिंतन करें, एक निष्पक्ष चिंतन करें ना, व्यवहारिक स्तर पर उतरकर, तो आप पाएंगे महाभारत के मूल में वाणी का, शब्द का दुरुपयोग है। अंधे का बेटा अंधा, ये बीज पड़ा कहीं दुर्योधन के उस विषाक्त चित्त में, और परिणाम संसार ने देखा। क्या है शब्द की ऊर्जा है, दिस माइट बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो ये जो शब्द हैं जिसे मैं यहां कहूंगा और आप श्रवण करेंगे, इन शब्दों में भी एक भगवदीय ऊर्जा है, a divine resonance। इन शब्दों में गोपी गीत जो है वो घटनात्मक भी है, वो उपदेशात्मक भी है, वो स्तुत्यात्मक भी है, और वो गीतात्मक भी है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ वर्णन है, जो भी कहा गया है, उसके चारों पक्ष एक साथ में चलते हैं। किसी के लिए वो केवल मात्र एक घटना है जो कभी घटी, पर मैं कहता हूं कि यदि केवल घटना भी घटी, मैं तो इस पक्ष में कहता हूं कि इफ यू आर लिसनिंग इट एज लाइक अ स्टोरी, देन देर इज ऑलवेज अ मोरल बिहाइंड अ स्टोरी। अगर आप कहानी समझ कर भी सुने ना, तो भी उसके पीछे कोई ना कोई देर माइट बी अ लेसन, जिसके लिए वो इतनी लंबी, वो खरगोश और कछुए की इतनी लंबी कहानी क्या बताने के लिए है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इतना बताने के लिए वो इतनी बड़ी कथा है। तो यदि आप इसे केवल घटना भी समझें, तो भी इसमें कहीं कोई सूत्र छिपा है, कहीं किसी सिद्धांत का सूत्रपात होता है। तो जो भी कहा गया है उसका एक पक्ष तो है कि वो एक घटना थी जो कभी घटी, पुनः कभी घट सकती है। फिर दूसरा पक्ष है उसका उपदेशात्मक, कुछ बताने के लिए घटी। ये कथा शब्द बहुत प्रिय है, बड़ा प्यारा शब्द है कथा, और द ग्रामेटिकल मीनिंग इज व्हाई, इस कथा शब्द का उद्गम हुआ है कहां से। कथा डजंट मीन अ स्टोरी,
कथा का अर्थ कहानी नहीं, कथा का अगर ग्रामेटिकल मीनिंग इज व्हाई, क्यों ये घटना घटी, ठीक, फिर क्यों घटी, उसके पीछे एक उपदेश है। वो घटना वो आपकी चेतना को कहीं ले जाकर छोड़ेगी। फिर तीसरा अर्थ है स्तुत्यात्मक, ये आपके और मेरे लिए है, ये साधक के लिए है। यदि आप व्यवहारिक स्तर से खड़े होकर देखें तो फिर घटनात्मक है, उपदेशात्मक है, लेकिन थोड़ा सा भाव पक्ष में यदि आप उतरे फिर वो स्तुत्यात्मक भी है। और फिर अंत में प्रेम का गीत है, द सॉन्ग ऑफ लव, द सॉन्ग ऑफ डिवाइन, ये प्रेम का गीत है। प्रेम पूरित हृदय से प्रकट हुआ है और कृष्ण के सुख का हेतु हुआ। भगवान ने कहा वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, द्रवीभूत होता हो किसी का चित्त। मैं निवेदन ये कर रहा था आपसे, किसी संत से सुना था कि कोई ऐसा भक्त हो कि कृष्ण नाम कहते ही, और गोपियों की ऐसी दशा देखने सुनने में आई, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भई। अभी अभी श्याम सुंदर देखे नहीं, अभी अभी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, अभी आप सुन रहे थे ना, अभी तो कृष्ण दर्शन लालसा है, पर कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भैरी, और मैं तो सदा कहता आया हूं और कहता रहूंगा, मैं अभी आपसे कृष्ण नाम उच्चारण करने को कहूंगा, आप मेरे कहने से करेंगे, जो नहीं करते मैं तो उनसे भी कराता हूं, कहकर कराता हूं कि भाई यहां तक आए हो तो रूखे सूखे क्यों रहते हो, तो मेरे कहने से, जस्ट गिव इट अ थॉट, केवल विचार दीजिएगा इसे, मेरे एक विचार को, कि मेरे कहने से आपने नाम उच्चारण किया सो तो ठीक, लेकिन मेरे कहने से आपको आनंद अनुभूति भी हो यह कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपको आनंद की अनुभूति होती है, यदि आप कहीं उस सात्विकता का, उस पवित्रता का, उस मधुरता का, उस दिव्यता का यदि कहीं आप अनुभव करते हैं, तो विचार करिए आप क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं इस नाम से कोई संबंध है। आप भले अपरिचित हो उस संबंध से, आपका परिचय ना हो, लेकिन संबंध है, संपर्क भी है और संबंध भी है, इसीलिए वो आनंद का हेतु है, इसीलिए वो आनंद का कारण है। तो भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवत यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, कभी हंसता हो और फिर कभी रोता हो, कभी गुनगुनाता हो, कभी गाता हो, विलज्ज उद्गायती। भक्तमालकार मीरा की भाव दशा देखकर कहते लाज छाड़ गिरिधर भजी, कि किस प्रकार लोक लाज की कुल कान की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़कर श्री कृष्ण का भजन किया, और क्या बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं क्या बड़ी बात है साहब, इस संसार में भी प्रेम का बल पदे पदे समय समय पर काल साक्षी हुआ है, और ऐसी ऐसी घटनाओं का मैं तो कई बार विचार करता हूं कि अकबर के दरबार में खड़ी वो एक साधारण सी बांदी जो बल से, धन से, सामर्थ्य से, सर्व प्रकार से हीन, सर्व साधन शून्य, और अकबर के दरबार में जहां बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सर उठाने में घबराते हैं, थर थर कांपते हैं, वहां अकबर के दरबार में वो बांदी कहती है, पर्दा नहीं जो कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना। अर्थात प्रेम आपको एक निर्भयता की स्थिति तक ले जाता है, एक निश्चिंतता की स्थिति तक ले जाता है। और यदि मैं आध्यात्मिक शब्द से इसे अभिव्यक्त करूं तो प्रेम आपके देहाध्यास को समाप्त कर देता है। एक गीत मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन एक पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगी थी, उसने कहा था कि आपके प्यार में हम संवरने लगे और जिस्म से रूह तक हम उतरने लगे। ये प्रेम आपको ये यात्रा कराता है जो किसी साधन से संभव नहीं है। कहने वाले ने कहा है चलते चलते थक गया, ना मिली मंजिल ना चीज, चलते चलते थक गया न मिली मंजिल ना चीज, यूं कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक। अनंत काल से ये यात्रा इतनी ही तो थी कि कोई आपको तन से मन तक ले जाए, कोई आपको अंधकार से उस प्रकाश तक ले जाए, कहने को चल के जाना था बस जिस्म से मुझे रूह तक।
पर चलते चलते थक गया, ना मिली मंजिल ना चीज। शंकराचार्य को कहना पड़ा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम। प्रेम है देहाध्यास समाप्त करता है, किसी साधन से नहीं होगा बाप। 70,000 वर्ष तपस्या करने के बाद, आई एम जस्ट टेलिंग इट लाइक अ स्टोरी, 70,000 वर्ष तपस्या करने के बाद विश्वामित्र को एक चेष्टा पतन के मार्ग पर ले जाती है। क्या है? सब कुछ तो है, योग है, यज्ञ है, जप तप व्रत पूजा उपवास नियम संयम यम नियम, क्या क्या नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक प्रेम नहीं है, एक उस अनुभूति से हृदय सूखा है तो कभी भी पतन संभव है। इसीलिए कृष्ण कहते यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौट कर आना नहीं होता, वो कौन सा धाम है, वो प्रेम ही तो है। ये ऐसा मुझे लगता है आपने भी शायद कभी जीवन में अनुभव किया हो कि एक बार यदि आप प्रेम कर बैठे तो फिर वहां से वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। तो भगवान कह रहे वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नित्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा एक भाव में भरा हुआ भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है, और भगवान के मुख से निकला हुआ ये वाक्य कहीं ना कहीं संकेत करता है, कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि भक्त भगवान को सुख देता है। ये भगवान को सुख देने की विधा का नाम भक्ति है। आचार्यों ने बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं दी हैं, सब परानुरक्ति ईश्वरे सभक्ति। पर यदि मैं आपसे निवेदन करूं तो भगवान को सुख देना सिखा दे जो, उस विधा का नाम भक्ति है, जो आपको प्रभु के सुख का, आपको प्रभु के आनंद का हेतु बना दे। और ऐसा संभव है, ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। वो जो सुदामा के 2 मुट्ठी तंदुल पर कृष्ण का 3 लोक का वैभव न्योछावर कर देना, वो कुछ और नहीं है। उस घड़ी आनंद कंद को आनंद दे रहे हैं सुदामा अपनी उस दैन्य भरी विनम्रता भरी उस चेष्टा से। इसी विधा का नाम भक्ति। और यहां जिस चर्चा के लिए आप हम एकत्रित हुए हैं वो गोपांगनाएं, वो इसी भक्ति का, इसी समर्पण का, इसी आत्मनिवेदन का आश्रय लेकर कभी कृष्ण नाम का श्रवण और फिर कभी कीर्तन और सतत स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और ये विधा जो है ये क्या है, उस आपके उस भाव को प्रकट करने के लिए एक अनुकूलता का निर्माण करने की एक विधा है। गोपियों के जीवन में वो अनुकूलता पूर्ण हो गई, अब जित देखो तित श्याममयी है, गोपी देखना चाहती है। ऐसी एक कथा सुनी मैंने एक संत के मुख से कि वृंदावन की किसी एक सघन कुंज में और आंख बंद किए बैठी है गोपी, और नारद जी का आगमन होता है। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लेकिन आज नारद जी को बड़ा अचरज हो रहा है कि गोपी ध्यान कर रही है, जबकि प्रेम में तो नैन न मूंदे ध्यान को, प्रेम को ध्यान की अपेक्षा नहीं है, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। लेकिन वो गर्दन झुकाना कौन सा है, वो गर्दन झुकाना कौन सा है, ये गर्दन झुकाना नहीं, बस जरा गर्दन झुकाई। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समा। वो गर्दन झुकाना क्या है, चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मां, एक म्यान में दो खडग
देखी सुनी न का, अहंकार विसर्जित हो और बस बस जरा गर्दन झुकाई और देख ली, दिल के आईने में है तस्वीर यार। एक जगह तो मैंने ये पढ़ा तो बोले जप से भक्ति को त्रास होता है और पूजा से भक्ति का ह्रास होता है। जब पढ़ा था तो बहुत अटपटा लगा और बहुत वर्ष तक इसका अर्थ समझ में नहीं आया। किसी साधु महात्मा से पूछता तो गाली और खानी पड़ती कि जब से भक्ति का ह्रास होता है और पूजा से भक्ति का त्रास होता है। लेकिन संतों की कृपा से और प्रेम देव की कृपा से अब कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। किसको पतियां लिखूं, प्रीतम हो परदेश। अरे वो परदेश हो तो पाती लिखूं, हमारा यार है हमने, हमन को बेकरारी क्या। तो वो गर्दन झुकाना कुछ और है और यह गुण साधन ते नहीं हुई। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि लोकी बुल्ले नु मत्ती दें दे, बुल्लिया आबैजा विच मसीती। तुझे यार की तस्वीर दिखाने के लिए तुझे बुलाते हैं मस्जिद में, आ बैजा विच मसीती। विच मसीता दे की कुछ हुंदा, जे दिलो नमाज न नीती। बारो पाक होया की होवे, जे अंदरे रही पलीती। ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया, एवें गई है इबादत की थी। एह गुण साधन ते नहीं हुई। फॉर दैट यू नीड अ मास्टर, वन हु इज एनलाइटन्ड, वन हु इज अवेकन्ड। जिसने देखा है वो दिखा सकता है, जिसने सुना है वो सुना सकता है, जिसने यात्रा की है वो आपको इस अंधकार से उस परम प्रकाश की, उस परम आलोक की यात्रा करा सकता है। और वही संभव है, कहीं और संभव नहीं। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? नारद जी, थैंक यू। तो नारद जी ने पूछा, रहा नहीं गया, क्योंकि गोपी तो कहती है मिलवो नैना नहीं को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस सोई भाव तो जी को, वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को, और खट्टी छाछ हमें नहीं भावे सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को नीको। कभी कभी नारद जी आए थे और कभी उद्धव जैसा कोई आया था तो गोपी ने कहा था, रे उद्धव माधव की मुस्कान, रे उद्धव विसरत नहीं लगत न दूजो ब्रज नहीं जोग के जोग। भुज भर भेट्यो श्याम सुंदर को, कीन्हे चीने भोग रे उधो माधव की मुस्कान। भगवत रसिक कहते लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। एक उन्माद भागवत तो कहती हासो जनोन्माद कारीच माया, जो माया को भी मोहित कर दे ऐसा श्री कृष्ण का हास है। ऐसी ऐसी उनकी मुस्कान है। और संत कहते हैं कभी मन स्थिर न होता हो, कभी कभी मन स्मरण के अनुकूल न हो, तो मन की उस प्रतिकूलता का वर्जन करने के लिए कभी हो सके तो भगवान की मुस्कुराहट का ध्यान करिए, उसमें माया को विमोहित करने की सामर्थ्य है। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे,
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हर हार प्यारे।